राहुल, इसमें से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, एक तो ई टू दी पावर एक्स लिख देंगे और इस पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 नीचे आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं, dx। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है e टू दी पावर एक्स। अभी जो है इसमें देखोगे x² + 4x, नीचे x+4 लिखोगे तो एक पार्ट में आ जाएगा प्लस 4 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी इसको लिखते हैं e टू दी पावर एक्स, एक्स कॉमन हो जाएगा, x+4 नीचे होगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर dx। तो दैट मीन्स हम लोग को ये चीज आ जाएगा, e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन x+4 प्लस 2 पार्ट आ रहा है बेटा। अभी देखो ये जो है ना, ये इस पार्ट में आ रहा है e टू दी पावर एक्स प्लस 4 e टू दी पावर x x+4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। अभी इसको कुछ मत करो, इसको चेंज करते चला जाए, एक को जस्ट चेंज करो, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, राहुल अभी क्लियर हुआ? राहुल, राहुल, ये 2 पार्ट में आ गया, e टू दी पावर एक्स x अपॉन x+4 और dx। अभी इसको ओपन कर दे, इसको ओपन करो तो आ जाएगा, नहीं तो इसको 2 पार्ट में लिख दिया, 2 पार्ट में लिखने के बाद सॉल्व करो फिर आ जाएगा। हाँ, तो इसको जब ओपन करोगे तो ये वाला कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं ये वाला पहले कंप्लीट करता हूँ, ये वाला पहले कंप्लीट करके फिर तुम्हें बता। फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद dx प्लस 4 e टू दी पावर x x+4 का होल स्क्वायर dx। डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो x x+4 e टू दी पावर x माइनस इसका जो होगा
एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर ये नीचे वाला फंक्शन हुआ, उसके बाद एक्स प्लस फोर लिखेंगे जो डिफरेंशिएशन का मान लो डिविजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर दैट विल बी वन माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। इसका तो वन हो जाएगा, यस यस गुड। और ये वाला e टू दी पावर x रहेगा, dx रहेगा प्लस 4 e टू दी पावर x, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएंगे x, x प्लस 4 e टू दी पावर x माइनस, यहाँ पे x कट गया तो 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx। और ये भी वही है 4 e टू दी पावर x, x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx, एक काट गया प्लस सी भी है। तो हम लोग का आंसर आ जाएंगे e टू दी पावर x, x अपॉन x प्लस 4 प्लस सी। राहुल इज इट क्लियर? राहुल तुम्हारा भी ऑप्शन जो है ओके ठीक है, एनसेट एग्जाम्पलर का ये वाला आ गया, नहीं तो यहाँ पे कर देता, दो पार्ट में चेंज कर देता था, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के बराबर होंगे फिर सॉल्व कर देता, ठीक है ओके। ये वाला भी हो गया। देवा भी तुम्हारा डाउट बता रहा हूं।